इसमें हाँ। बच्चों के लिए है, बुड्ढों के लिए नहीं है। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज गणेश चतुर्थी का सेकेंड डे है, सो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीबडी। एंड हमारी सोसाइटी में भी बहुत ही अच्छे से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी और घुमाऊंगी भी। एक छोटी सी फ्ली मार्केट लगती है, बच्चों के लिए झूले लगते हैं, खाने के फूड स्टॉल्स लगते हैं, तो वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और साथ साथ घुमाऊंगी भी। और कल का गणेश चतुर्थी का फर्स्ट डे हमने अपने दोस्तों के साथ मनाया, अविनव और नुपुर के साथ। वो लोग अपने घर में गणपति जी को लाते हैं, तो वो दिन हमने पूरा दिन कैसे बिताया उसका मैं एक सेपरेट ब्लॉग डालूंगी। और ये गणपति सेकेंड डे ब्लॉग है, और मेरा बर्थडे वीक भी शुरू हो रहा है, तो हम उसके लिए आज अपने लिए गिफ्ट खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि मंडे से ऑफिस शुरू हो जाएगा। एंड थर्सडे को मेरा बर्थडे पड़ रहा है, 16th of September, सो टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हमने सोचा कि आज जाते हैं। पिछले हफ्ते मैं ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि देयर वॉज सम ट्रेजेडी इन माई फैमिली। आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर, एंड सो मैं उनके लास्ट रिचुअल्स के लिए अपने घर गई हुई थी। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू गाइज टू यू नो प्रे फॉर माई ग्रैंड मदर, सो दैट शी जस्ट रेस्ट इन पीस। जहाँ पे भी हो वो अच्छे से रहें और हम लोगों को वहाँ से देखे, आशीर्वाद देते रहे। और दैट्स ऑल। और तीज भी गया परसों, ये दो दिन पहले तीज थी, तो मैं बहुत ज़्यादा तीज नहीं कर पाई, बट सिंस मुझे तीज करना था तो मैंने सिंपल हाथों में मेहंदी लगाई थी, जो कि एक रिचुअल है, करना ही पड़ता है। लेकिन मैंने उसका ब्लॉग नहीं बनाया बिकॉज आई वॉज नॉट इन अ वेरी हैप्पी एंड जॉली मूड। सो नाउ आई एम बैक टू बैंगलोर, और कल ही मैं बैंगलोर आई फर्स्ट डे ऑफ गणपति। नाउ आई हैव डिसाइडेड कि चलो ब्लॉग बनाते हैं, थोड़ा चेंज लाते हैं। कुछ करते रहने से, खाली रहने से इंसान ज़्यादा सोचता है। दिमाग को जितना आप बिज़ी रखो, ऑक्यूपाइड रखो अपने आप को, उतना ज़्यादा आप किसी भी एक चीज़ से बाहर निकल सकते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, और भगवान की पूजा पाठ करने से मन को शांति भी मिलती है, और ये गणेश चतुर्थी का मौका भी अच्छा है, तो मैंने सोचा कि चलो इससे बाहर भी निकल जाएंगे और साथ में आप लोगों को मैं गणेश चतुर्थी का ब्लॉग भी बना के दिखा दूँगी। तो फिर आप लोग मेरे साथ चलो मेरा गिफ्ट खरीदने। हाँ मेरे को ना इसमें जाने का मन कर रहा है, मुझे जाने देंगे इसमें हाँ। बच्चों के लिए है, बुड्ढों के लिए नहीं है। बुड्ढे हो गए आप और मेरी बीवी। ओम से हाय टू माय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। अच्छा ओम, आप मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दिलाने लेके जा रहे हो ना? तो मेरे को क्या दिलाओगे? दिला पाते हैं कि नहीं? क्यों? बड़े लोगों के बड़े पसंद हो जाएंगे तो कैसे दिलाएंगे? बड़े लोगों के बड़े पसंद से आपका क्या मतलब है? मैं तो छोटी हूँ, छोटी छोटी चीजें पसंद करती हूँ। छोटी चीज छोटी पसंद। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तेल भरवाने। ओके चलो तेल भरवा लेते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। क्या हुआ? बी प्रिपेयर्ड। किस चीज के लिए?
मैं अब आपको पूरे रास्ते पकाऊंगी। पूरे रास्ते क्यों, पूरी जिंदगी पकाओ। वो तो मैं पकाऊंगी, आपको क्या लगा पीछे में छोड़ के भग लूंगी क्या बेटा? बहुत लंबी उम्र है मेरी, चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल, ऐसे पीछे नहीं छोड़ूंगी आपका। बारिश आ गई, बारिश आ गई, देखो गॉट माई गिफ्ट। आप लोग ना मुझे कमेंट में गेस करके बताना कि आप लोग को क्या लगता है मैंने क्या लिया है, ठीक है? बताना ज़रूर पक्के से, फिर मैं देखूंगी कि किसने करेक्ट गेस किया है। मेरी चेहरे की खुशी से आप लोग बता सकते हो कि मेरा गिफ्ट खरीदा गया है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, इट्स हियर, आई विल शो इट टू यू गाइस। ये है मेरा गिफ्ट, लेकिन ये मैं अपने बर्थडे वाले दिन दिखाऊंगी, उससे पहले नहीं दिखाने वाली मैं। टन 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 टन। और अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने, क्योंकि उसने एक्सरसाइज करके अपनी कोई नस खींच ली है, जिसकी वजह से शी इज ऑन बेड रेस्ट। तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो भाई उससे भी मिल लिया जाए, नहीं तो वो कहेगी कि देखो मैं बीमार हूँ और आई भी नहीं मुझसे मिलने। तो फिर चलो आप लोगों को भी मिलवाती हूँ उससे। और ये इयररिंग्स ना उसने ही मुझे दिए हैं, रीना बहन ने। तो आज आप लोग रीना से मिलोगे। वो मेरी मतलब शादी से पहले की फ्रेंड है, और उसकी शादी भी बैंगलोर में हुई मुझसे 6 महीने के बाद, तो वो भी बैंगलोर में आ गई लकीली, अदरवाइज तो मैं बहुत ही अकेली हो जाती। तो शी इज़ द ओनली फ्रेंड विच आई हैव बिफोर मैरिज, आई मीन शी इज़ द ओनली फ्रेंड हु इज़ इन बैंगलोर एंड हु इज़ माई फ्रेंड बिफोर आई गॉट मैरिड। पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, है ना? ओम के बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं, तो ओम के मुँह पे, ओम के चेहरे पे कोई हंसी नहीं है, क्योंकि ओम के बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं, है ना ओम? ओम आप दुखी हो क्या? नहीं, दुखी नहीं। गौर से देखिए आप लोग इस चेहरे को, ये आदमी दुख में डूब चुका है कि इसकी बीवी ना चेप ही हो जाती है। इसके बच्चे? बाप रे, काटेगी नहीं ना? नहीं बाबा, कितने क्यूट है। अरे कितने सारे हुए बहन, 1 2 3 4 5 5 है। एंड द क्यूटेस्ट इज दिस ब्लैक वन, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा फरी फरी है। मोहित ने अपना टी शर्ट, खराब वाला टी शर्ट दे दिया है ताकि उनको वार्मथ मिलता रहे। और उनको इसमें शिफ्ट कर दिया, पहले उनका वो छोटा वाला घर था जिसमें वो लोग थोड़ा वो कंजस्टेड थे, तो मोहित ने नया घर बनाया। निकालते कैसे हो? हम नहीं निकालते, वो पड़ी रहती। अभी वो बहुत ज्यादा। अब तुम क्या करोगे, चाय बनाओगे? हम सोचे कि जाएं कि नहीं जाएं, पता चला उसको चाय बनाने के लिए उठा देंगे। नहीं, इतना तकलीफ नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन अभी जब कोई आता है ना या कहीं जाने का मन करता है तो एक अपने आप से सारी क्या बोल रहा है, कौन सी एक्सरसाइज में खींच रही है नस। आई लव दिस कचौरी, टेन मन सबसे अच्छी लगती है मेरे को। नॉट अ फैन ऑफ कचौरी बट आई लाइक दिस वन। हाँ, मी टू। और ओनली आनंद स्वीट्स का। मैं ना इलाहाबाद में थी तो वहाँ पे खस्ता कचौड़ी मिलता था। OMG, क्या खस्ता कचौड़ी। हाँ, वहाँ की कचौड़ी बहुत अच्छी, और वहाँ पे एक ना कचौड़ी मसाला भी मिलता है। आई डोंट नो कचौड़ी मसाला, लेकिन मैं बहुत छोटी थी ना, मैं आई वाज इन 11th और 12th, पर इतना सही मिलता था ना। कितना सही कि वहाँ पे लाइन लगी रहती थी। तो मेरे लिए दिल्ली से क्या लाई बहन?
दिल्ली से बहन मैं कुछ शॉपिंग खुद के लिए भी नहीं कर पाई, आई वाज लाइक हाफ ब्रोकन। ओके, पर कोई बात नहीं, तुमने जो इयररिंग दिए हैं वही मैं पहन के आई हूँ। इट लुक्स ब्यूटीफुल ऑन यू, है ना? हाँ, और मेरा सबसे फेवरेट इयररिंग है ये, मेरे को बहुत पसंद आता है ये। हो गया? मिस्ट्री। ओह माय गॉड, आई वाज नॉट इवन अवेयर। समोसे और कचौड़ियां, देखा दो प्लेट निकाला, सक्सेस रहा, पार्टी हो गई। समोसा पार्टी, यस। और दो कटोरी चलेगी क्यों? थोड़ा मुश्किल होगा, अब आपको छोटा पड़ेगा। क्या वहां पे टेबल है? वो नीचे करके वहीं पे रख लो। क्या टेबल पे रखना है? सोच रही हूं उनको लंबा पड़ेगा ना। किनको? मोहित को। मैं क्या बोलती हूँ? क्या कर रही हो? रीना तैयार हो रही है। फोटो सेशन? तो जहाँ जाओ वहाँ फोटो सेशन करना है। फोटो सेशन नहीं करना होगा, कैसे पता चलेगा कि हम आए, है ना? इतने दिन बाद सखी से मिले हैं, दुनिया को दिखाना जरूरी है। को देखो ना देखो। वैसे ये अच्छा लग रहा है, इस महिला को भी ले लो। इस महिला को भी इंक्लूड कर लो, है ना? तो प्यारा कुर्ती जो है ना बेबी मैडम, अच्छे से जल्दी गेट वेल सून। हां गेट वेल सून, ठीक कर लो। बाय, फिर आना कभी अपने घर में। बाय जीजू। सामने ये गणपति का मंदिर है जो इतना खूबसूरत सजा हुआ है। कल तो ये पूरा रास्ता सजा हुआ था, पूरे रास्ते पे लड़ियां लगी हुई थी इस साइड इस साइड। आज इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन मंदिर अभी भी बहुत ही खूबसूरत से सजा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।